हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सीलेंट इंग्लिश। बच्चों, आज मैं आपको 10th क्लास की पोयम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक जो है जाने माने पोएट हैं और इन्होंने बहुत सारे जो है पोएम्स लिखी हैं, लेकिन ये जो पोएम लिखा उन्होंने फायर एंड आइस, इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो दुनिया है बच्चों, उन्होंने पहले बताया कि ये दुनिया फायर से जो है डिस्ट्रॉय होगी, दूसरे में बताया उन्होंने कि ये दुनिया बच्चों आइस से जो है डिस्ट्रॉय होगी। तो बच्चों, उन्होंने ये बेसिकली एक सिंबॉलिकल पोयम है और इस पोयम में उन्होंने बताया कि जो हेट्रेड मीन्स बच्चों नफ़रत। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर ये दुनिया फायर से या जो है आइस से डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो ये बच्चों बिल्कुल ही हेट्रेड यानी नफ़रत से डिस्ट्रॉय होगी। जैसा कि बच्चों हम देख रहे हैं, आजकल हर देश दूसरे देश से नफ़रत कर रहा है, हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से नफ़रत कर रहा है, यानी दुनिया में नफ़रत इतना हो गया है बच्चों कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बच्चों इसमें ये फायर को जो है बच्चों डिज़ायर, जो डिज़ायर है, इच्छा है बच्चों, इच्छा को उन्होंने सूचक बताया है, डिनोट किया है। जैसे बच्चों गौतम बुद्ध ने कहा है कि इस दुनिया में सभी दुखों का कारण लालच है, तो ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है बच्चों कि इस दुनिया में जो डिज़ायर है वो इंसान को बर्बाद कर देती है। कुछ लोगों को गलत तरीके से कोई चीज़ पाने की आदत पड़ जाती है तो वो लोग उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि वो राइट है या रॉन्ग है, बस उनको पैसा ही कमाना है इसके पीछे वो चल देते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा करना गलत है, शॉर्टकट्स यूज करना गलत है, हमें ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए, सभी लोगों से प्यार करना चाहिए। गॉड ने हमको किसी भी स्किन या कलर का बनाया हो तो हमें दूसरों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अंग्रेज लोग सोचते थे कि अगर जो ब्लैक्स हैं वो इन्फीरियर स्टेटस के हैं और जो वाइट लोग हैं वो सुपीरियर स्टेटस के हैं, लेकिन बच्चों उन्होंने ऐसा अपने मन में पाल लिया था। लेकिन फायर और आइस जो पोयम है बच्चों